प्यारे बच्चों, आज आपको हम वॉल्यूम का एक मैथ दिए हैं। क्वेश्चन से एक क्लासरूम इज 12.5 मीटर लॉन्ग, 6.4 मीटर ब्रॉड एंड 5 मीटर हाई। हाउ मेनी स्टूडेंट कैन इट एकोमोडेट? फर्स्ट आस्किंग हाउ मेनी स्टूडेंट कैन इट एकोमोडेट इफ ईच स्टूडेंट नीड 1.6 मीटर स्क्वायर ऑफ फ्लोर एरिया। द फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस। नेक्स्ट द सेकेंड आस्किंग इज हाउ मेनी क्यूबिक मीटर्स ऑफ एयर वुड ईच स्टूडेंट गेट। तो चलिए हम लोग इसका करते हैं। आप याद रखिएगा, वॉल्यूम ऑफ क्लासरूम इक्वल टू रूम इक्वल टू आपका यह क्या हो गया, दैट एरिया अकोमोडेट 1.6 मीटर स्क्वायर। याद रखिएगा 1.6 मीटर स्क्वायर फ्लोर एरिया है, उसका 5 मीटर उसका भी हाइट है। ये यहाँ जरा कंसीडर कीजिए कि हाइट दोनों तरफ सेम है, तो हाइट को मत लिखिए, अगर लिखिएगा तो दोनों तरफ लिखना होगा। तो यहाँ लिखिएगा वॉल्यूम ऑफ ईच स्टूडेंट एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट, बस इतना ही लिखना होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट। याद रखिएगा वॉल्यूम ऑफ स्टूडेंट, वॉल्यूम क्या है यहाँ पर 1.6 मीटर स्क्वायर एक बच्चा का फ्लोर एरिया इंटू हाइट, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ ईच स्टूडेंट। एक चीज ख्याल रखिएगा। एंड नाउ नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल टू एन, नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल टू एन पहले आप लिख लीजिएगा तो और अच्छा रहेगा। एंड वॉल्यूम ऑफ क्लासरूम इज सिंपली नो नीड टू मल्टीपल, द लेंथ इज 12.5 मीटर इंटू 6.4 मीटर इंटू 5 मीटर हाई। तो वॉल्यूम ऑफ क्लासरूम एंड दिस, सो एन इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हो गया, देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट एन इक्वल टू 12.5 इंटू 6.4 इंटू 5 मीटर डिवाइडेड बाई 1.6 मीटर स्क्वायर, या मीटर क्यूब हो गया, क्योंकि इसका भी मीटर है, इसका ही मीटर है। क्लियर हो गया, इंटू 5। नाउ 5 बोथ साइड है कॉन्स्टेंट, कैंसिल एंड सी ए मीटर स्क्वायर कैंसिल, या मीटर रह गया 1.6 इंटू 4 इक्वल टू 6.4, यहाँ 4 आ गया, देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल टू, देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हो गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल टू 50, नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल टू 50। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज ओवर, ये पहला का आंसर हो गया। सेकेंड आंसर है हाउ मेनी क्यूबिक मीटर्स ऑफ एयर वुड ई स्टूडेंट गेट। सिंपली 50 आम के दाम 200 रुपया होने से एक आम के दाम 200/50, ये भी है टोटल क्लास का रूम वॉल्यूम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो आप यहाँ लिख दीजिए 1.25 इंटू 6.4 इंटू 5, ये हो गया आपका टोटल वॉल्यूम, इसका बाई डिवाइड बाई 50। फिर से हम बोल रहे हैं टोटल क्लास का वॉल्यूम ऑफ क्लास रूम सी आर लिख देते हैं बाई नंबर ऑफ स्टूडेंट। 50 आम के दाम 200 रुपया होने से एक आम के दाम डिवाइड करते हैं, भी सेम है नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो आपको कितना मिला देख लीजिए, ये 50 यहाँ से काटेगा 10 आ गया। नाउ 10 यहाँ से भी 10 आएगा, यहाँ से भी 10 आएगा, ऑटोमेटिकली देखिए इक्वल टू कितना हो गया 125 इंटू 64 बाई
10 इंटू 10 इंटू 10, तो ये आ 2 2 जा 4 2 जा 8, यहाँ सबका 5 5 हो गया 5 इंटू 5 इंटू 5, यहाँ भी 8 इंटू 8 रह गया 8 8 जा 10, 5 इंटू 5 इंटू 5 120 टोटल कितना हो गया 8 8, कितना हो गया मीटर क्यूब। ये आ सेकेंड आंसर। तो पहले का आंसर के हिसाब से 50 नंबर आपको मिल गया एंड सेकंड के हिसाब से एक बच्चा को 8 मीटर क्यूब एयर लगेगा। आपको यदि मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा तो आप जरूर इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और याद रखिएगा इस ढंग का कोई भी क्वेश्चन आप दीजिएगा हम जरूर बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच।